घाटी तालिबान के शिकंजे में 8 जिलों पर किया कब्जा। पंजशीर की लड़ाई में एक और लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद मारा गया। रेजिस्टेंस फोर्स को एक और बड़ा नुकसान। यूक्रेन को मिल रहे सैन्य सहयोग से बढ़ेगा तनाव। रूस ने दी चेतावनी। यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन की सीमा पर 1,00,000 रूसी सैनिक तैनात। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने बदली रणनीति। जारी रहेगा विरोध लेकिन संसद की कार्यवाही में भी लेंगे हिस्सा। सहारनपुर की रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लोगों को दिलाई पिछली सरकार के क्राइम ग्राफ की याद। सहारनपुर को मिला चुनावी तोहफा। अमित शाह ने रखी माता शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी की नींव। अखिलेश यादव का बुंदेलखंड अभियान जारी। शुक्रवार को हुई झांसी में रैली। रंग को लेकर चन्नी और केजरीवाल में जारी है जंग। पठानकोट की तिरंगा रैली में बोले केजरीवाल, काले रंग वाला निभाएगा वादा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नवजात को जिंदा दफनाया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बचाई मासूम की जान। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का बयान। कहा, किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत। राकेश टिकैत ने दिया बलियान को करारा जवाब। कहा, राजनीति में नहीं आना, सरकार से हमारी बात ही करवा दें। सुंदर पिचाई और सत्ता लड़ेला के बाद हाल ही में ट्विटर के सीईओ बने पराग अग्रवाल का नाम। अपनी क्षमता से बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय टैलेंट शामिल। कोणार्क में सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत। कई राज्यों के कलाकारों का लगा जमकर। दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर स्थिति साफ नहीं, कप्तान कोहली का बयान। 8 दिसंबर को तय है भारतीय टीम की रवानगी। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड का दावा, सभी खिलाड़ियों को मिलेगी 12 बबल की सुविधा। क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस में यूएसए, चाइना, इंडिया और दूसरे देश शामिल। वर्ल्ड एथलेटिक्स में अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। भारत में खेलों को आगे बढ़ाने और महिलाओं को प्रेरित करने के प्रयास की गई कई सराहना। और अब विद्यालय की खबरों की ओर बढ़ते हुए, पंडित दीनदयाल विद्यालय ने भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। वर्तमान में विद्यालय अत्यंत हर्षोल्लास से अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसी श्रृंखला में हाल ही में माननीय श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी की अध्यक्षता में कुटुंब प्रबोधन विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हमें माननीय श्री दत्तात्रेय होसबले जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और अब 5 दिसंबर 2021 की सांस्कृतिक संध्या अभिव्यंजना में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्री स्मृति ईरानी के आगमन से हम सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।